डूबने के करीब 140 साल बाद ब्रिटेन के एक पोत का मलबा मिलने का दावा किया गया है। ये स्टीम पोत रूस में डूबा था। दरअसल ब्रिटेन और साइबेरिया के बीच समुद्र मार्ग को खोलने की कोशिश के दौरान इस पोत का मलबा मिला। शोधकर्ताओं ने द टेम्स पोत के बारे में पता लगाया। ये पोत रूस की यानी सेई नदी में डूब गया था। भाप से संचालित 120 टन के पोत को लेकर साल 1876 में जब कैप्टन जोसेफ विंगिस यानसेई नदी में पहुंचे तो ये बर्फ में जम गया। कैप्टन और चालक दल के दूसरे सदस्य इससे उतर गए तथा इसके कुछ हिस्सों को स्थानीय व्यापारियों को बेच दिया। ये पोत 1878 में डूब गया था, लेकिन डूबने के करीब 140 साल बाद इस पोत का मलबा मिलने का दावा किया जा रहा है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।